हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के पास्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड का पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स के एक्स प्लस टू के माइनस वन। यहाँ पे पॉलीनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाई टू। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सम ऑफ द जीरो, यहाँ पे जीरो सम ऑफ द जीरोस, और पहले तो गिवन पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू के माइनस वन। ओके, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, या तो कंपेयरिंग विथ रहने दे से लिखते कि सम ऑफ द जीरोस, कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा द जीरोस है। सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस कोफिशिएंट माइनस के प्लस सिक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ के प्लस वन, के प्लस सिक्स, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस सिक्स। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, टू ब्रैकेट में 2k माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियन तो क्या है, वन। ओके, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू टू के माइनस वन। ओके, नाउ यहाँ पे हमें गिवन कंडीशन है, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन टू। ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या है, के प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में टू के माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे टू कट हो जाएगा, ना क्या होगा, के प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू के माइनस वन। देयरफॉर यहाँ पे के है उसको सामने की साइड जाने देते, और वन है इस साइड आएगा, तो सिक्स प्लस वन होगा और 2k माइनस के होगा। अब 2k माइनस के यानी कि k बचेगा और 6 प्लस 1 यानी कि क्या होगा, 7। तो k इज इक्वल टू 7। ओके, यहाँ पे हमें सो k इज इक्वल टू 7। थैंक यू स्टूडेंट।